बस वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। और दबा के रंग लगाइए, दबा के एकदम गुलाल लगाइए। जो लोग नहीं भी लगाता है ना, उसको भी थोड़ा बहुत लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन जिनको एलर्जी है उसको मत लगाइएगा। लेकिन होली जो है ना, दबा के खेलिएगा, एकदम मजा कीजिए। Why I make so many videos on Motorola, Pixel और even Samsung? ये एक कमेंट ना मुझे बार बार यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे उसी चीज का यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने आया हूँ, ताकि आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेके तो क्लियर हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है ना, तो रिश्ता में ना मजबूती वो नहीं बन पाता। निभी जब मजबूत नहीं रहेगा, तो फिर घर कितना ही बढ़िया बना लीजिए ना, उसमें वो बात नहीं होगी जो बात होनी चाहिए। अगर आप नींब मजबूत बना लेते हैं तो भैया घर आपका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनेगा। अब देखिए, जब भी मैं वीडियोस वगैरह डालता हूँ, फिर चाहे वो पिक्सल पे हो या फिर सैमसंग पे हो, बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे आके कहते हैं, आप एक ही स्मार्टफोन के ऊपर इतने सारे वीडियोस क्यों बना के दे रहे हो भाई? और भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी आप क्यों नहीं बताते? उसके बारे में भी रिव्यू कीजिए, उसके बारे में भी कैमरा टेस्ट कीजिए। इस चीज का आंसर ना मेरे बहुत सारे पुराने व्यूअर को पता होगा कि ये जो चैनल है ना, इस चैनल पे जितने भी मोबाइल फोन्स का रिव्यू करता हूं मैं, वो सारे के सारे फोन्स का हमारा खुद का पैसा का होता है, यानी कि आपका और मेरा। यानी कि आप जब वीडियोस देखते हो तो थोड़ा बहुत अर्निंग होती है, जब थोड़ा बहुत अर्निंग होती है, जो महीना में मेरा इनकम आता है ना, उससे मैं एक फोन खरीद के जो है यहाँ पे रिव्यू कर देता। अब मैं यहाँ पे हर एक फोन को तो रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है, उतना तो इनकम है नहीं। लेकिन हाँ, महीने में एक स्मार्टफोन 25,000 के अंदर या फिर 20,000 के अंदर या फिर 15,000 के अंदर, क्योंकि YouTube का इनकम कोई फिक्स नहीं होता है, उस बेसिस पे कोई भी एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि बजट में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहा, वो स्मार्टफोन को जो है खरीद के मैं रिव्यू कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाता। अब वो स्मार्टफोन को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि भाई इसमें ये चीज काम नहीं कर रहा, इसमें वो चीज काम नहीं कर रहा, इसका थोड़ा इस टाइप से टेस्ट कर दिए, इसका थोड़ा उस टाइप से टेस्ट कर दिए। इसलिए जो है यहाँ पे लोगों का डिमांड पूरा करने के चक्कर में यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो जो है एक फोन के ऊपर आपको दे देता हूँ। फ्यूचर में ये हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वीडियो आपको देखने को मिलता होगा। पिक्सल 6 के रिगार्डिंग में मैंने बहुत सारी वीडियो बना के दी थी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर लोग ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पड़े हुए थे, कि यहाँ पे लोगों ने उनको इतना ज्यादा कंफ्यूज किया था पिक्सल का 6 को लेकर कि हम आपको क्या ही बताएं। इसलिए मैंने पिक्सल के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपके बना के दिया, कैमरा टेस्ट, वीडियो टेस्ट, रॉ वीडियो टेस्ट, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे मैंने बना के दिया। Motorola का G72 के बारे में भी मैंने डिटेल में आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दिया, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको 4G वाला फोन लेना बजट में 15,000 तक का बजट है, तो उससे अच्छा स्मार्टफोन अभी तक नहीं है। हाँ, बेशक बहुत सारे स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कमियां भी होती है, वो आपको डिसाइड करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप उस चीज को मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सीधा कंक्लूजन की बात यही है कि आप लोग मुझे कमेंट में आके बोलते हो कि भाई इस रिगार्डिंग वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं बहुत सारी वीडियो जो है आपको बनाकर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी आपका सुनने वाला नहीं है। ये चीज आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आप जब कमेंट करते हो कोई भी वीडियोस के नीचे, तो आप देखिएगा कि आपको कितनी मर्तबा रिप्लाई मिला है। लेकिन आप मेरे वीडियोस के नीचे जाकर देख लीजिए, कोई भी वीडियो खोल के देख लीजिए, सभी को मैं रिप्लाई करता हूँ। क्यों रिप्लाई करता हूँ भाई? दिस इज नॉट माई पार्ट टाइम जॉब, दिस इज माई फुल टाइम जॉब। मैं फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं हर चीज बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। बेशक यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनको पसंद आता उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो एक चीज लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं कि भाई जो मोबाइल फोन आपके पास नहीं है, आप उसको पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देखिए, आपकी बात बिल्कुल लाजमी है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन बस इसलिए देता हूं क्योंकि आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट में बोलते हैं कि भाई ये स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है। इसलिए जो मैं इस रिगार्डिंग जो है वीडियो बना के देता हूं, कमेंट में भी रिप्लाई कर देता हूं, भाई आप इस टाइप से देख सकते हो, लेकिन कमेंट में एक वर्ड में सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाती कि क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है। इसलिए मैं वीडियो बना के देता हूं, आप लोगों का डिमांड रहता है, ताकि आपका कंफ्यूजन है तो कम से कम सॉल्व हो जाता। बाकी देखिए, ये चैनल तो उतना ज्यादा भी बड़ा नहीं, उतना ज्यादा ग्रो नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने एंड से पूरा कोशिश करता हूं और अपने हिसाब से जो भी स्मार्टफोन सही रहता है वो मैं यहां पे रिव्यू करके देता हूं। अभी यहां पे मैंने Xiaomi 13 Pro के बारे में भी वीडियो बनाई, लोगों ने वहां पे कहा कि भाई इसे जो है आप इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। उन लोगों से हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों, देखिए हर एक स्मार्टफोन का अभी मेरे अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है कि बार बार मैं 80,000 का स्मार्टफोन खरीदूं, हर महीने जो है 30,000-40,000 का स्मार्टफोन खरीद सकूं, अभी उतना मेरे पास नहीं है मेरे भाई। और रिसेंटली मैंने यहाँ पे Redmi Note 12 Pro 5G लिया था। किसके लिए लिया था? आप लोगों के लिए लिया था कि भाई आपको सही इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे सकूं। तो यहाँ पे ये चीजें हर बार नहीं हो कि भाई मैं हर बार एक नया स्मार्टफोन अभी के हिसाब से खरीद लूं, जितना होता है उतना खरीद लेता हूं। बाकी एक कमेंट मुझे और आ रहा था बार बार कि भाई इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। अभी मैं बताऊंगा ना किसके बारे में। एक स्मार्टफोन मैंने परचेज किया है, लोगों ने अगर डब्बा गेस कर लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये स्मार्टफोन का आप
रिव्यू किए, तो इस बार जो है मैंने फिर से थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ करके जो है ये स्मार्टफोन खरीद लिया और ये स्मार्टफोन मेरा अब से पर्सनल डिवाइस होने वाला है। इससे पहले मैं रियलमी X3 यूज करता था जो कि मेरा टूट गया था एक्सीडेंटल डैमेज में, लेकिन तो अभी जो है मैं इस स्मार्टफोन को यूज करने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका अनबॉक्सिंग भी आपको जल्दी ही चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी भी अगर आपको कोई तरह का आपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कमेंट में अपना आपत्ति लिखिए, उसके नीचे आके हम रिप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा से हर किसी का रिप्लाई करते हैं तो आपका भी करेंगे। आप बुरा कीजिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कीजिए वो भी दिक्कत नहीं है। अगर को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ना भाई, अच्छा लगता है ना, लोग जुड़ते हैं ना तो अच्छा लगता है। देखिए YouTube में जितने भी लोग आते हैं ना वो एज अ फैमिली मेंबर मैं मानता हूँ और उन लोगों को एज अ फैमिली मेंबर ही मोबाइल सजेस्ट करता हूँ वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। और जाते जाते आप लोगों को हैप्पी होली फिर से रंग लगाइए दबा के एकदम तिरता मचाइए।